जैसे थ्रिफ्ट है, स्नैचिंग है, और मिसिंग आर्टिकल्स में भी सबसे ज़्यादा मोबाइल्स का ही कंप्लेंट हमें मिला था। तो एक इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है मोबाइल ट्रैकर्स के नाम से, जो जिसमें हमारा स्पेशल ब्रांच और क्राइम ब्रांच स्टाफ उसमें है। और इस ग्रुप का सुपरविजन हमारे SDPO श्री मनोज जैन और क्राइम के PI श्री मनोज पटेल, इन्होंने ये किया था। और एक कंसिस्टेंटली पिछले एक महीने से हमने एक ड्राइव चलाई थी टेक्निकल सर्वेलेंसेस के माध्यम से, सारे मोबाइल्स की लोकेशंस निकालना, वहाँ पे टीम्स भेज के उन सब मोबाइल्स को बरामद करना, और जो उसमें चोर है या स्नैचर है उनको पकड़ना, एक मुहिम सी हमने चलाई थी। और उसी के मद्देनज़र आज हमने 103 मोबाइल टोटली बरामद किए हैं, और उसकी सारी लीगल फॉर्मेलिटीज करके हम आज वो जिनके वो राइफल के ओनर्स टीम ने किया है उसमें ये हमारे जवान जो जिन्होंने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है, उसमें PI मनोज पटेल, TSI रुटीन जिन्होंने टेक्निकल सर्वेलेंस का एनालिसिस करके कॉन्स्टेबल हमारे आन थोरा के साथ ये काम किया था, और जो एक्चुअल ग्राउंड में हमारी टीम्स गई थी उनको लीड हमारे स्पेशल ब्रांच के जवानों ने और क्राइम ब्रांच के जवानों ने किया था, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आर्या, विनीत जाधव, उर्वशी पटेल, प्रकाश माने एंड लेडी पुलिस कांस्टेबल प्रियंका कनौजिया। तो हमारे प्रदेश के DIGP सर ने भी इनका बहुत बहुत अभिनंदन भी किया है, और उनके लिए रिवार्ड की भी उन्होंने घोषणा की है। थैंक यू सर। इस प्रकरण में कोई बड़ा नाम आया जो कि किसी गुरु का? इसमें यहाँ के लोकल एक पूरे गैंग को हमने अरेस्ट करके कोर्ट में केस ऑलरेडी कर दिया है, क्योंकि हमें मुहिम के तौर पर ले रहे थे और एक महीने से कंटिन्यूसली ये चल रहा था, तो ये एक कलेक्टिव तौर पर आज हम आपके सामने ये चीज़ रख रहे हैं, बाकी प्रोसेसेस हमने पूरे महीने के दौरान कर दिए। सर इसमें ये पूरे मोबाइल की मार्केट वैल्यू आज की डेट में 15 लाख के करीब है, 15 लाख के मोबाइल है, 103 मोबाइल है, और ये मुहिम हमारी आगे भी चल रही है। सर ये जो मोबाइल चोरी करते थे, हमने बहुत सारी जगहों से जैसे खनवेल साइट से, रखोली साइट से, साइली से या सिलवासा से, तो क्या ये पूरा एक ही गिरोह है जो ये सब? नहीं, ऐसा एक गिरोह नहीं है, बहुत सारे अलग अलग पैचेस में लोग इसमें काम कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड टीम इसमें हमने पकड़ी है और जिसको हमने अरेस्ट किया हुआ है, बाकी जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्रिमिनल्स हैं। बहुत सारे आपको ये भी मैं बता दूँ, इसमें से कई सारे मोबाइल हमने दूसरे राज्यों से भी लाए हैं, महाराष्ट्र से है, UP, बिहार और राजस्थान और गुजरात, 5 राज्यों से हमने ये सारे मोबाइल बरामद किए। वहाँ के लोकल पुलिस के टीम से भी मदद ली हमने, बहुत सारे जो रिसीवर्स थे उनको पता नहीं है कि चोरी का मोबाइल है, तो वो रिसीव कर उन्होंने ले लिया, यहाँ पे कम कीमत में खरीद लिया, और वो फिर वो जाके वहाँ यूज़ करने लगे थे। उन लोगों ने भी कोऑपरेट किया था, जब उनको पता चला कि ये चोरी का है तो उन्होंने तुरंत किसी न किसी माध्यम से हमारी तरफ वो मोबाइल पहुँचा दिया। ये इसी माध्यम से मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदना बेचना बहुत ज़्यादा चलता है, तो मैं यहाँ की जनता से अपील करूँगा, जब भी आप कोई सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदे तब ये ज़रूर पता कर लें कि वो जो बेचने वाला है उसका राइटफुल ओनर है, उसके पास उसकी बिल है या रसीद है, वो ज़रूर चेक करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अनजाने में एक स्टोलन प्रॉपर्टी के रिसीवर बन रहे हैं, जो एक अपने आप में गुनाह है। तो इसलिए ज़रूर इंश्योर करना चाहिए कि जो भी हम मोबाइल खरीद रहे हैं वो एक राइटफुल ओनर से ही हम खरीद रहे हैं। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।